हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो का आज ये फोर्थ लेशन है ना, कॉन्सेप्ट का फोर्थ लेशन है। यहाँ पे आज हम लोग रेशियो का जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ उसको हम लोग आपको बिल्कुल क्लियर तरीका से बताएंगे। उसके बाद हम लोग अगले सेशन से बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसमें भी 8-10 क्लास लेंगे ताकि बिल्कुल आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, ये कहता है कभी कभी सवाल में कि आपके पास दो नंबर है, जूम कर लिए है ना, ए दो नंबर है जिनका कि रेशियो आपका एच टू बी में है, और दोनों में अगर एक्स ऐड कर दिया जाता है तो रेशियो आपका नया रेशियो बनता है वो सी टू डी का रेशियो बनता है। तो हमारा आपसे पूछ लिया जाता है कि जो दोनों नंबर है वो क्या है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सोचते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जो एज वाले प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको बहुत पूछा जाता है कि ए अगर सोच लीजिए कि आपका ए और बी का एज का रेशियो अभी 7:5 है, 5 साल बाद उसका रेशियो कुछ और जाता है 8:6 समथिंग कुछ भी। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे सोचेंगे, पहले तो हम लोग हमेशा की तरह बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। उसके बाद इसको सीखेंगे इस तरीके से कि कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको बिल्कुल विजुअलाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको फ्रेंड्स यहाँ पे भी पूछा जाता है जब आपका इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला सवाल होता है, वहाँ पे भी इस टाइप का आता है कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का कुछ रेशियो दे दिया जाता है और सेविंग का अमाउंट आपको फिक्स रहता है ना, दोनों के लिए इक्वल सेविंग है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर है ना, दो नंबर है जिनका कि रेशियो एच टू बी है। तो हम उस नंबर को मान लेते हैं कि वो नंबर ए के और बी के है, सिंपल। वेयर के क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। अब ये बोला कि प्रत्येक नंबर में एक्स जोड़ दिया जाता है तो रेशियो आपका सी टू डी हो जाता है। जो आपको कह रहा है वही हम लोग लिख रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ए के हो गया है ना, प्लस एक्स, ठीक है। नीचे वाला नंबर बी के है, इसमें भी एक्स ऐड कर दिए हैं तो आपका जो नया रेशियो बनता है वो आपका सी इज टू डी के, यानी कि सी बाई डी है। यही तो करते हैं ना सिंपली। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ए के इंटू डी प्लस डी एक्स इजकल टू बी के इंटू सी प्लस सी एक्स। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग किसी प्रकार से अगर k का मान निकाल लेते हैं तो क्या होगा, नंबर से ए के और बी के, तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो देखिए इसका k का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे k कॉमन है ना, तो k ऐसे लिख लेते हैं, ए डी हो गया। देखिए यहाँ से बी सी आ जाएगा, इस तरफ कितना हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, सी एक्स डी एक्स है ना। तो एक्स अगर कॉमन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी माइनस डी, यही लिखेंगे ना आप। तब देखिए के का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक अप्रोच, एक्स इंटू सी माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी है ना। के का वैल्यू आपका इतना हो गया। अब नंबर्स पूछ रहा है तो ए के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए के का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका, ए के होता है ना, तो ए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स सी माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। और सेकेंड नंबर अगर पूछेगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी के, तो बी इंटू एक्स सी माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमें तो ये हो गया कि बिल्कुल ये बेसिक तरीका, लेकिन अब हमको कंपटीशन में जाना था, थोड़ा तो फास्ट होना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे अप्रोच बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल इसको गहराई से देखते हैं और इसको हम लोग कैसे कंपटीशन में, अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो उसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा नंबर क्या अज्यूम कर लिए थे, ए के और बी के है ना, और जो लास्ट में नंबर का रेशियो कितना आपका, सी टू डी का रेशियो, तो वहाँ पर भी हम सी एम और डी एम मान सकते हैं नंबर को है ना। तो बिल्कुल अब हम लोग यहाँ से समझिए आप इसको हम लोग कैसे और सॉर्ट करते हैं। देखिए नंबर आपका हो गया ए के प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन बी के प्लस एक्स इजकल टू, हम लोग जो नया नंबर है, न्यू नंबर बन रहा है, वो क्या है, सी टू डी के रेशियो में, इसको हम लोग मान सकते हैं सी एम अपॉन डी एम। वेयर क्या है आपका, के एंड एम क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है ना, इसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन बनाने का आपको प्रयास करते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए ये क्या है,
इस तरीके से लिख दिया, इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, ए के प्लस एक्स इजकल टू हम लोग सी एम लिख सकते हैं, ए के प्लस एक्स इजकल टू सी एम, अभी बिल्कुल समझ समझ के, यानी कि एक्स इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से सी एम माइनस ए के, ठीक है। अगर आप लोग अगर दूसरे क्वेश्चन से सोचते, नीचे वाला से सोचने क्या लिख सकते हैं आप, बी के प्लस एक्स इजकल टू डी एम, ये लिख सकते हैं ना, यानी कि एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग डी एम माइनस बी के। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स इजकल टू सी एम माइनस ए के है, यहाँ पे एक्स इजकल टू क्या है आपका डी एम माइनस बी के है, यानी क्या हो रहा है सी एम माइनस ए के इजकल टू बी एम डी एम माइनस बी के, है ना, यानी कि एक्स दोनों में इक्वल कर दो, क्या लिखेंगे आप सी एम माइनस ए के इजकल टू क्या लिख सकते हैं डी एम माइनस बी के, यही तो लिखेंगे ना आप। तो यहां से अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू के इजकल टू डी माइनस सी इंटू एम। देखिए इसको हम लोग कैसे सोचते हैं, देखिए नंबर था आपका ए इज टू वी के फॉर्म में था ना, तो हम लोग यहां पे क्या कर दिए थे इसको, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है ना, बाद में रेशियो आया था कितना था सी इज टू डी के फॉर्म में था, इसको हम लोग सोचते थे कि एम इंटू सी है नंबर और एम इंटू डी नंबर है। अब देखिए यहां से जो हम लोग रिलेशन बन रहा है हमारा, तो के बाई एम को क्या लिखेंगे हम लोग, के बाई एम को अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, के वाई एम को लिखना चाहें क्या लिखेंगे डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए, है ना, यानी कि के एच टू एम का वैल्यू क्या हो गया आपका, के एच टू एम का वैल्यू हो गया आपका डी माइनस सी इज टू बी माइनस ए, समझ रहे हैं, डी माइनस सी के का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, के किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, के किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका डी माइनस सी का, है ना, और एम किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका बी माइनस ए का। इसी कॉन्सेप्ट पे फ्रेंड्स हम लोग अप्लाई करते हुए अब जो आपका जो भी सवाल होगा उसको हम लोग बिल्कुल क्लियर ढंग से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यही हमारा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग इस तरीका से फ्रेम करते हैं ताकि आपको कभी भी इस टाइप का जो भी चीज़ हम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर विजुअलाइज हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग आते हैं सवाल पे और देखते हैं किस टाइप का सवाल आएगा उसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर्स है ना जिनका रेशियो 5:7 में, अगर प्रत्येक में 12 को ऐड कर दिया था, 12 को ऐड कर दिया था, तो इनका रेशियो है जो कि चेंज होकर 4:5 में हो जाता है। तो जो ये नंबर है 5:7 वो नंबर क्या है, तो पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो देखिए नंबर क्या होता है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 5 into k, है ना, इसमें 12 ऐड कर दिया, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, अगर 5:7 होता है 7 into k + 12 इसकल टू आप क्या लिखेंगे आपका 4/5, तो ऐसे क्या हो जाएगा k का वैल्यू निकाल लेंगे और 5 के और 7 के का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25k + 60 इजकल टू 7 4 28k + 48। अब देखिए इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा आपका 60 - 48 कितना हो जाएगा आपका 12 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 28 - 25 3k हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना हो गया आपका 12/3, यानी कितना k का वैल्यू 4। अब तो देखिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 5k और 7k, यानी कितना हो गया 5 × 20 और 7 × 28, ये आपका ये बिल्कुल हो गया बेसिक तरीका से। अब हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं, ये रेशियो अभी कितना का नंबर का, दोनों का रेशियो है आपका 5:7 का, है ना, जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं 5:7 का रेशियो, बाद में रेशियो कितना होता है आपका 4:5 का। देखिए बेसिक हमारा यहाँ पे क्या कंसर्न होता है कि इन जो दोनों डिफरेंस है इसको इक्वल करना होता था, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, देखे थे ना के एच टू एम इजकल टू कैसे लिखते थे हम लोग, के एच टू एम का रेशियो क्या होता था डी माइनस सी इज टू बी माइनस ए का रेशियो, वही करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे करते हैं, ये 4 और 5 है ना, ये कितना हो गया आपका, यहाँ डिफरेंस कितना हो गया आपका 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, तो क्या होता था वो जो डिफरेंस होता था इसके आसपास आ जाता था,
यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई होगा, टू से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई होगा, ये डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाता था, और इसका कितना होगा, वन गुना। तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो अगर इसको अगर इस तरीके से हम ले लिखें तो नया रेशियो आपको कितना जनरेट हो गया, 5:7 से ये कितना होगा, 8:10। ठीक है, अब देखिए कितना ऐड किए हैं, 12 ऐड किए हैं ना, तो देखिए 5 से 8 का डिफरेंस कितना है आपका, 3 का, 3 का डिफरेंस है नहीं है। तो देखिए 3 का वैल्यू कितना के बराबर है आपका, 12 के बराबर है। 3 का वैल्यू आपका कितना के बराबर है आपका, 12 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा आपका, 4 के बराबर। अब देखिए रेशियो कितना कितना का था इनिशियली में, अब देखिए अब जो भी होगा तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, है ना। तो ये देखिए कितना रेशियो हो रहा है अभी भी, 1 का वैल्यू 4, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 20, और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28। तो 20 और 28 आपका नंबर से, ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये इस तरह का अप्रोच होता है, पहले हम लोग किसी भी चीज़ को गहराई से सीखते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आता है उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात समझ ले कि 4:1 है, यानी क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, यानी कि पिता का आयु 4 है तो अगर पुत्र का आयु 1, यानी कि 4:1 के रेशियो में 5 वर्ष से पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी कि 5 ईयर पहले, 5 ईयर बिफोर, फादर और सन का जो रेशियो था कितना था आपका, 7:1 था, है ना। करंट में कितना है इनका डिफरेंस, एज का रेशियो 4:1 का, ठीक है। तो पिता और पुत्र का, तो क्या बोला, पिता का वर्तमान आयु निकलना। एक तरीका तो आपका ये है, 5 वर्ष पहले था ना, इसको एक ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, 7x+5 / x+5=4/1। एक तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी देख लीजिए जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता था, तो कितना आ जाएगा आपका, 7x + 5 = 4x + 20, यानी कि 3x = कितना हो गया आपका, 15। तो x = कितना हो गया आपका, 5, ठीक है ना। यानी कि पिता का वर्तमान आयु कितना है आपका, 7x + 5, यही है ना, पिता का वर्तमान आयु कितना है, 7x + 5, यानी कि 5 × 7 = 35, 5 कितना हो गया यहाँ से, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 5 है तो 40 है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं इसको, तो कैसे हम लोग और इजीली सॉल्व कर सकते थे, क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 4:1, 3 है ना, इसका डिफरेंस है कितना, 6। तो एक तो तरीका है कि आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई की या इसमें 6 से मल्टीप्लाई की, लेकिन हम लोग अब यहाँ वो भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग और ऐसे सोच लेते हैं, इसका रेशियो कितना हो गया आपका, 1:2 का, 1:2 का रेशियो हो गया ना, तो यहाँ पे हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करें कितना से, 1 गुना, है ना। इसको कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया आपका, 7:1 से 8:2 का रेशियो। अब देखिए कितना हो गया, 1 का वैल्यू कितना है आपका, 5 ईयर है, है ना। अब देखिए करंट में कितना हो गया, अब तो हमारा पूरा इक्वेशन यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, तो करंट का कितना है पिता का आयु, 8 है ना, 1 का वैल्यू आपका 5 है, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 40। अगर करंट में पूछेगा कि बच्चे का आयु कितना है, तो 5:2, अगर बच्चे का आयु पूछा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 ईयर। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं ना। तो ये होता है हमारा असली अप्रोच सीखने का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है इनकम और एक्सपेंडिचर पे रिलेटेड, है ना, यानी कि आपका बोल सकते हैं इनकम आय, खर्च और बचत पे। तो देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, नेहा और रवि, जिनके आय का और अनुपात है 4:3 और उनके खर्चे का अनुपात है 3:2। तो यदि उनके प्रत्येक की बचत 2500 है तो आय ज्ञात कीजिए, सिंपल सवाल है। देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, नेहा और क्या है, रवि, है ना। देखिए इनका इनकम, इनका है एक्सपेंडिचर,
यानी कि खर्चे का रेशियो, इनका है सेविंग्स दोनों का कितना है आपका, सेविंग्स दोनों का कितना है आपका 2500 रुपये है, ठीक है, दोनों का सेविंग है 2500। अब देखिए इनकम का रेशियो कितना है 4:3 का, और देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है आपका 3:2 का। अब देखिए इनकम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, प्लस क्या होगा आपका सेविंग, जो हम लोग कमा रहे हैं उसमें से जो खर्चा प्लस बचत हो वही तो हम लोग कमा रहे हैं ना। यानी कि अब यहां से ऐसे देखेंगे तो हम लोग और क्या ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स, यही लिखेंगे ना। अब देखिए सेविंग इक्वल है, अब जो हम लोग प्लस कर रहे थे तो यहां पे क्या हो रहा है आपका माइनस में, कॉन्सेप्ट तो आपका वही है इनका। अब देखिए ये सोचिए कि 4:3 के रेशियो से अगर माइनस 2500 दोनों में घटा देते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है आपका 3:2 का हो जाता है। तो देखिए अब कितना आसानी से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फोर इंच टू थ्री से इनका रेशियो कितना हो रहा है 3:2 में, ये हो रहा है ना। अब देखिए 4:3 से रेशियो हो रहा है इनका कितना 3:2 में, देखिए माइनस कितना हो रहा है आपका 2500, यानी क्या हो रहा है 1 का वैल्यू कितना हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे तो डिफरेंस दोनों का सेम है तो कोई मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 1 1 यहाँ भी डिफरेंस 1 यहाँ भी डिफरेंस 1 तो मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत, यानी कि 1 का वैल्यू आपका कितना हो गया 2500, ठीक है। तो देखिए इनका इनकम का रेशियो कितना है 4:3, तो 4 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 7500, यानी कि इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 10,000:7500। तो आप कितना फास्ट हो जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये हमारा सही अप्रोच होता है। अब देखिए यहाँ पर यह कह रहा है एक राजेश और पवन की आय का अनुपात 3:2 है, एक तो तरीका वही है बेसिक वाला कि आप सॉल्व कीजिए, ऐसे लिखेंगे 3x माइनस कितना बचत 2000 अपॉन 2x माइनस 2000 इक्वल टू आपका क्या आ रहा है रेशियो आपका कितना आ रहा है 5/3, एक आप इससे सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा 3, तो इनका जो आय का रेशियो कितना हो जाएगा तो आपका जो वैल्यू होगा x निकालेंगे उसका 3x और 2x का जो वैल्यू होगा वही आपका राइट आंसर होगा, यही करेंगे ना। तो हम लोग अब इसको इस तरीके से क्यों करें, जब हम लोग पढ़े हैं तो क्या पढ़े थे हम लोग, पहले कितना था आपका 3:2 का था, ठीक है ना, बाद में कितना हो रहा है आपका 5:3 का, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका 1 का, यानी कि यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो जो नया रेशियो बनाओ कितना हो जाएगा 6:4 और कितना हो जाएगा 5:3। अब जो भी हम लोग विचार करेंगे इस नए रेशियो पे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए नए रेशियो पे हम लोग विचार करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, प्रत्येक का बचत 2000 है, यानी कि 6 - 5 कितना हो गया आपका, 1 का वैल्यू कितना है आपका 2000। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2000 आ रहा है ना। तो हमको अभी एक कंपेयर किससे करना है, जो नया जो हमारा इक्वेशन बना है 6:4 और 5:3, ऐसा नहीं कि हम लोग इससे कंपेयर करें, ये तो अब आउट हो गया है ना, जो अब एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। तो 6 - 5 1 का वैल्यू 2000 हो गया, यानी कि 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 × 6 कितना हो जाएगा आपका 12000, और 4 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2000 × 4 = 8000, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आप नहीं कर सकते हैं कि 2000 × 3 और 2000 × 2, तो ये आपका गलत हो, क्योंकि अब तो हमारा यहाँ पे फोकस हो रहा है ना, यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, क्या किए हैं हम लोग को दोनों के डिफरेंस को इक्वल कर दिए है ना। अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 1 है, तो हमको जो भी तुलना होगा कंपेरिजन होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स
अगर 3:2 कर देंगे वहां पे तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ना, इसलिए ये नहीं होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12,000 था, लेकिन नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा सीखने का तरीका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि दो नंबर है उसका रेशियो अगेन एज टू बी के फॉर्म में है ना, और प्रत्येक में से अगर एक्स को माइनस कर देते हैं तो उनका रेशियो आ जाता है सी टू डी के फॉर्म में। तो आपका जो नंबर्स है ए के और बी के जो हम लोग अज्यूम करते हैं उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हम लोग अब अज्यूम कर लेकिन नंबर है आपका पहले में ए के है और बी के है, उसमें से एक्स माइनस होता है तो आपका रेशियो कितना बन जाता है, ए के माइनस एक्स अपॉन बी के माइनस एक्स इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इससे हम अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है, ए के इंटू डी माइनस डी एक्स इक्वल टू बी के इंटू सी माइनस सी एक्स। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा कहता है के इक्वल टू एक्स इंटू डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो अगर ए के का वैल्यू होगा तो ए के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए इंटू एक्स डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और बी के का वैल्यू कितना हो रहा है आपका, बी इंटू एक्स डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पहले से लिखते हैं। तो इस तरीका से हम लोग जो बेसिक अप्रोच है वहां से कर रहे हैं, अगर अगर हम लोग अगेन तुलना वाला से करेंगे तो वही करेंगे, ए के तुलना वाला करें क्या लिखेंगे, ए के माइनस एक्स अपॉन बी के माइनस डी इजकल टू एम इंटू सी मान लेते हैं नंबर एम इंटू डी। तो यहां से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है केज टू एम का रेशियो, केज टू एम का रेशियो निकालते हैं ना, केज टू एम का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, देखिए एज टू बी का रेशियो पहले है बाद में सी एज टू डी का रेशियो है। तो जो केज टू एम का रेशियो होगा अगेन होगा डी माइनस सी इज टू बी माइनस ए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस डी इज टू ए माइनस बी का रेशियो है ना। इस तरीके से हमारा ये जेनरेट होगा, के ये हो जाएगा के बी एम सी और ये एम डी। यहाँ से के का वैल्यू कितना का फॉर्म हो जाएगा, अगर ये सी माइनस डी होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका एम ए माइनस बी। ये हम लोग इसको सी माइनस डी के बदले डी माइनस सी भी लिख सकते हैं, इसको बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मन करे। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा सही अप्रोच लर्निंग का। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हो ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7 और इसमें से प्रत्येक में से चार को घटा दिया जाता है तो रेशियो इसका कितना होता है, 1:2 का होता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 4:7 में और इसका रेशियो कितना होता है, 1:2 में। पहला तरीका क्या है आपको, इसको ऐसे लिखेंगे 4k-4 अपॉन 7k मान लेंगे नंबर को, माइनस 4:1/2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू कुछ आएगा है ना, k का वैल्यू आएगा तो यहाँ से हम लोग को 4k और 7k का जो वैल्यू निकालेंगे वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन जब हम लोग इसको गहराई से सीखे हैं तो क्या करेंगे, इसको देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ यही हो रहा है ना, ए 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जो भी अब तुलना होगा यहाँ के बीच में होगा, 4:7 ये कितना हो जाएगा, 3:6। अब देखिए 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू कितने के बराबर है आपका, 4 के बराबर है ना, 4-3 यही ना, तो 1 का वैल्यू आपका कितने के बराबर है आपका, 4 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है जो नंबर्स है तो नंबर्स का रेशियो किसके में है, 4:7। अब तो जो भी कंपेयर होगा यहाँ से होगा तो कितना हो जाएगा आपका, पहले का अगर नंबर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 4×16, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16, और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 28। अगर बाद का नंबर पूछ ले तो कितना, बाद का नंबर कितना हो जाएगा आपका 12 और 24, ये कितना हो जाएगा बाद का नंबर। तो देखिए एक बार आपको कॉन्सेप्ट हो गया तो आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस तरीका से भी आपको सवाल कभी कभी पूछता है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज एज टू बी देन द नंबर दैट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ देम इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो सी एज टू डी। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले नंबर जो रेशियो एज टू बी में और प्रत्येक में एक्स ऐड कर दिया था तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर नंबर पहले तो रेशियो में तो क्या लिखेंगे, ए के प्लस एक्स है ना, यही एक्स हम लोग क्या करते हैं ऐड कर रहे हैं,
अपॉन ये क्या हो गया आपका बी के प्लस एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग सी बाई डी, यही हो रहा है ना आपका। तो यहाँ से हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे ए के इंटू डी प्लस डी एक्स इजकल टू बी के इंटू सी प्लस सी एक्स, ठीक है। यानी कि हम लोग का एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ से ए डी माइनस बी सी इंटू के इजकल टू सी माइनस डी इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका अगेन ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी। मैं बस आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ, इसको हम लोग याद करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी आएगा तो हम लोग इस तरीके से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे के बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कभी कभी आपको सवाल में ऐसा रहेगा ना कि ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी करें तो आपका ऑप्शन ही नहीं नजर आएगा, ठीक है। चूंकि क्या है यहाँ पे ए टू बी के रेशियो में ना, तो कोई भी नंबर होगा ए के और बी के होगा, तो अगर के का वैल्यू तो इसको इस तरीके से भी हम लोग को देख लेना है कि जो जो रेशियो है वो इसके मल्टीपल में है कि नहीं, अदरवाइज आपका ये रॉन्ग आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोचते हैं। अब देखिए फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म ऑफ रेशियो 11:29 टू मेक इट 11:20। अगेन देखिए सेम नंबर को ऐड किया जा रहा है ना, तो इसको भी हम लोग जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वहां से हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तो बेसिक तरीका हो गया कि इसको ऐसे लिखेंगे 11k फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म ऑफ 11k प्लस एक्स अपॉन 29k प्लस एक्स इजकल टू 11/20। इसे सॉल्व करेंगे तो k के फॉर्म में आएगा, कुछ भी आएगा तो उससे हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर k इजकल टू 1, 2, 3, 4, 5 तो बहुत सारे नंबर होंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, पर देखिए पहले रेशियो कितना था आपका 11:29, बाद का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 11:20, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या ऐड किए हैं, x ऐड किए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका 9 का, यहाँ का डिफरेंस आपका कितना है 18 का। तो क्या 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए 9 2 18, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए नया जो रेशियो बन रहा है क्या हो रहा है आपका 11:29 से ये कितना हो जाएगा 22:40, है ना। तो ये नंबर आपको लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर 11 ऐड कर सकते हैं इसमें। इसका बहुत मल्टीपल आंसर हो सकता है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन कहेगा उस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। अगर सोचिए 11:29 का रेशियो ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 22:58 का रेशियो हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें भी अगर डबल मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 22 से कितना हो जाएगा ये 44:80 का रेशियो हो जाएगा। तीसरी स्थिति में क्या बोल सकते हैं कि नंबर हमारा 22 हो रहा है। तो इस टाइप के सवाल आएगा तो आपको ऑप्शन से देखना है कि 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा या कुछ और होगा, तो ये बड़ा ट्रिकी होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। अब फिर देखिए ये कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन टू ऑफ नंबर इज ए इज टू बी, अगेन देखिए वही है ए इंटू के है माइनस एक्स है, अब बी इंटू के माइनस एक्स है इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा बी सी माइनस ए डी इंटू के बाई सी माइनस डी। तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको हम बस समझा दें कि इस तरीका का आएगा, तो ये हमारा अप्रोच होगा बेसिक अप्रोच, इससे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज जो हम लोग जो बताया कि कैसे वहाँ पर वो फ्रेम हो रहा था ट्रिक, उसको अप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन द फ्रॉम द टर्म ऑफ द रेशियो 5:6 टू मेक इट 3:4। अगेन देखिए 5:6 में है, ये आपका कितना है 3:4 में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस तो इक्वल है, तो यहाँ पे तो हमको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो एक आंसर क्या हो सकता है इसका, 2 हो सकता है। देखिए अगर नंबर 5 है और 6 है ना, तो इसमें से अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 4 हो जाएगा, है ना।
अगर सोचिए कि अगर आपका नंबर 10:10 और 12 होता, ठीक है, तो उस स्थिति में इसको क्या होता, ये 6:8 के रेशियो में होता, तो यहाँ पे क्या करते रह सकते थे हम लोग, 4 को घटा सकते थे। तो इस टाइप के सवाल में आपका मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है, तो इसको बेटर होगा कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, अप्रोच आपका यही होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कभी कभी इस टाइप का आपका सवाल आ जाता है कि चार आपके पास नंबर है ए बी सी डी, है ना, उसमें सब कितना सारे में जोड़ दें कि ये सारे प्रोपोर्शनल हो जाए, समझ रहे बात, प्रोपोर्शनल हो जाए। अगर सोचिए कि हम लोग सारे में एक्स जोड़ देते हैं, तो ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स इजकल टू सी प्लस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स, यही होगा ना, अगर प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, इसी तरीके का रिजल्ट बनेगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स इजकल टू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, यही होगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, ए डी प्लस ए एक्स प्लस डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, बी सी प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ए एक्स और डी एक्स, है ना, इसको ए डी ऐसे लिख सकते हैं आप, ए डी प्लस इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस डी इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके, यहाँ से क्या लिखते हैं, बी सी प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो अगर x का वैल्यू लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू x लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी अपॉन, ये इस तरफ चला जाए तो क्या लिख सकते हैं आप, बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी, है ना, इसका हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। तो फ्रेंड्स इन सबों को हम लोग को याद नहीं करना है, बस हम लोग आपको विजुअलाइजेशन के लिए बता रहे हैं कि इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। जब देखिए हम लोग को जब प्रॉब्लम में आएगा तो हम लोग सीधा बिल्कुल ऐसे लिखेंगे ना, एक्सट्रीम का जो मल्टीपल होता है तो हम लोग दिमाग में सीधा आ जाएगा, ए प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स इजकल टू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, वहाँ पे भी देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होता, तो हमारा बिल्कुल ये अप्रोच होगा करने का, तो हमारा कोई टाइम नहीं लगेगा, इस तरीके से हम लोग नहीं सोचेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि आपके पास चार नंबर है, 6, 14, 18 और 38, है ना, उसमें कितना जोड़ दिया जाए ताकि ये चारों नंबर हो जाए कि प्रोपोर्शनल हो जाए। तो बड़ा सा सिंपल है, पहला नंबर 6 है, चौथा नंबर 38 है, तो हम लोग सीधा इतना थोड़े लिखेंगे, पहला इंटू चौथा का मल्टीपल 6 + x * 38 + x इजिकल टू क्या करेंगे, बीच का 14 + x * 18 + x। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 38 × 6 कितना हो गया, 8 × 6 = 48 के 8 × 7 = 4 और कितना होगा, 6 × 18 = 4 = 22, 228 हो गया ना, 4 × 6 = 40 × 240 - 12 = 228 ही होगा, प्लस देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, इसको लिखेंगे तो 6x + 38x + x² है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 14 × 18, तो कितना हो गया, 18 × 2 = 180, 18 × 6 = 72 यानी कि 252 प्लस देखिए कितना, 18x + 14x कितना लिखेंगे हम लोग सीधा, 32x + x². अब देखिए ये कितना होगा, 38 + 6 कितना हो गया आपका, 44x, यहाँ कितना है आपका 32x, 44 में से 32 कितना हो जाए तो कितना आपका 12x इक्वल टू क्या होगा, 252 - 228, 252 - 228 कितना हो जाएगा, 24 यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व, तो हमारा तो हम लोग दो जोड़ेंगे। तो देखिए इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। देखिए छः और चौदह है, अठारह और अड़तीस है, अगर एक होगा तो कितना हो जाएगा, पाँच तेरह, ये कितना हो जाएगा आपका सत्रह पैंतीस। देखिए प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल नहीं। अब देखिए दूसरा कितना होगा, छः प्लस दो तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का अगर आपके पास सवाल है ना, तो हम लोग को इतना भी नहीं करना, हम बिल्कुल हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। अब सोचिए कि दोनों में ये बोला कि एक एक बढ़ा दिए तो कितना जाएगा आपका सात बटा पंद्रह। अब देखिए इस तरफ कितना जाएगा आपका उन्नीस बाई उनचालीस, देखिए नहीं इक्वल, ये खत्म। अब देखिए दो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका आठ सोलह बीस चालीस, कितना हो रहा है आपका वन इंच टू, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर तीन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं तो सीखे, कितना हो जाएगा आपका नौ बटा सत्रह, इधर कितना हो जाएगा आपका इक्कीस बाई इकतालीस, है ना, ये भी नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर टू होगा। तो सबसे बेटर तरीका होता है इस सवाल में, इसमें आपको ऑप्शन से जाइए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए अगर एक से अगर माइनस हम लोग कर देते हैं तो क्या होता है ना, अब देखिए कुछ कभी ऐसा दे दिया जाए आपका कि फोर नंबर्स है आपका ए बी सी डी, उसमें से अगर इक्वल नंबर कोई सब्सट्रैक्ट कर लें तो आपका वो हो जाता है आपको समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल रहता है। तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे आएगा ना ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इजकल टू सी माइनस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, यानी कि ए माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। तो हम लोग सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा कुछ थे, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, है ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको याद करने का तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स जो हम लोग पढ़े थे उस पर एक सवाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का सेशन को क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 54, 71, 75 एंड 99, लीव द रिमाइंडर्स व्हेन दे आर प्रोपोर्शनल। बड़ा सिंपल है, वही हो गया। देखिए पहला नंबर कितना आपका 54 है ना माइनस एक्स, लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 99 माइनस एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 71 माइनस एक्स इंटू 75 माइनस। अगर ऑप्शन होता तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो देखिए ये कितना हो गया 99 इंटू 54, तो देखिए तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 99 इंटू 54 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 5400 माइनस 54, यही होगा ना, तो कितना होगा 6 4 5 3 4 6, यही होगा 5 3 4 6। और देखिए यहाँ से ये कितना माइनस 99x है ना, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 54x, यानी कितना हो जाएगा आपका माइनस 153x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा होता है थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले को तो एक से पाँच से होगा तो पाँच हो गया, देखिए तो यह कितना हो जाएगा आपका सात पच्चे पैंतीस है सात, बयालीस के दो हाथ में चार, ठीक है ना, सात सत्तर उनचास है चार तिरपन। हम लोगों ने आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से सिखा है, वहाँ पे आप जा करके देखिए कि कैसे हम लोग इसको बहुत फास्ट करते हैं। अभी देखिए ये कितना होगा माइनस 75x माइनस 71x, तो एक्स का एक साथ लिखें तो कितना लिखेंगे माइनस 146x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 5346 माइनस 5325 कितना हो जाएगा आपका 21 इजकल टू कितना हो जाएगा 153 माइनस 146 7x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 बाई 7, तो x इजकल टू आपका 3 माइनस कर देंगे। तो अगर ऑप्शन होता तो हम लोग ऑप्शन से चेक। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो रेशियो और प्रोपोर्शनल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर सारा चर्चा हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग अब बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से और बहुत ही टॉप लेवल तक पहुंचेंगे।
उसमें भी देखते हैं हम लोग को 10-12 क्लास, जितना क्लास लगे उसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम में आप देंगे वहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि भाई 10 मिनट सीख लो, 20 मिनट सीख लो, आप कंप्यूटर हो जाओ, रॉकेट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ आप समझ समझ के पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक रहेगा, आप जीवन भर नहीं भुलाएंगे। कुछ इस तरीका के अप्रोच से हम लोग यहाँ पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। इस तरीका का वीडियो आप लोग को हमेशा 2-3 दिन पे आता रहेगा जैसे हमें फुर्सत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।